Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है, यानी कि अनंत सिंह अब विधायक नहीं रहेंगे। अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में MP-MLA कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले की कॉपी विधानसभा कार्यालय को मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। वहीं अनंत सिंह की विधायकी समाप्त होने से RJD को बड़ा झटका लग गया है और अब बिहार विधानसभा में RJD विधायकों की संख्या 80 से घटकर 79 हो गई है। वहीं पिछले 4 वर्षों में बिहार विधानसभा के सदस्यता खोने वाले अनंत सिंह तीसरे RJD के विधायक हैं। इससे पहले 27 दिसंबर 2018 को बिहार विधानसभा ने नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव की भी सदस्यता समाप्त कर दी थी, जब उन्होंने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा हो गई थी। वहीं नवंबर 2018 में पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की भी विधायकी समाप्त कर दी गई थी। उन्हें CBI अदालत ने करोड़ों रुपए के कोल तार घोटाले में दोषी ठहराया था और 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। BJP के भी इस विधायक की हुई है सदस्यता समाप्त। इस लिस्ट में BJP के भी एक विधायक का नाम शामिल है, जिन पर 1998 में सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट पर हमले और बाद में गोलीमारी में शामिल होने के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस केस में BJP विधायक राम नरेश प्रसाद यादव को साल 2015 में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें अपनी विधानसभा सदस्यता खोनी पड़ी थी। हालांकि उनकी पत्नी गायत्री देवी वर्तमान में सीतामढ़ी में परिहार सीट से विधायक बनी पड़ी है। 51% विधायकों के खिलाफ दर्ज है गंभीर मामले। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 243 सदस्य बिहार विधानसभा में सभी दलों के 241 नव निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 163 यानी कि 68% ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। अध्ययन के अनुसार यह आंकड़ा 2015 से अधिक था। 2015 में 142 यानी कि 58% विधायकों ने आपराधिक मामले घोषित किए थे और रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 123 यानी कि 51% थी, जिससे 19 पर हत्या के मामले दर्ज हैं, जबकि 31 पर हत्या के प्रयास में महिलाओं के खिलाफ 8 अपराधी शामिल हैं। तो वहीं 2015 में गंभीर आपराधिक मामले घोषित करने वाले विधायकों की संख्या 98 से ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिहार में विधायक हैं वो लगभग 68% जो है वो आपराधिक किस्म के हैं और इसमें इन लोगों की सदस्यता भी खत्म होती नजर आ रही है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.